कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ये संसद है, ये एक संवैधानिक प्राप्ति। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा में जो कल तकारीर हुई, मैं तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मनीष तिवारी की जो स्पीच थी, शशि थरूर की स्पीच थी, ब्रिलियंट स्पीचेस। इट इज इंडीड अ डार्क डे फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ना तो पाकिस्तान को अपने आका अमेरिका का साथ मिला, ना ही चीन के माउंट एवरेस्ट से ऊंची और मैरियानी गर्त से गहरी दोस्ती ही काम आई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को कोई खास तवज्जो नहीं दिया। ऊपर से कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से मनी ईद के बाद तो जैसे पाकिस्तान के रहबरों को मिर्ची ही लग गई। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष पोलैंड ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय हल निकालने को कह दिया, यानी पोलैंड ने कश्मीर पर भारत के स्टैंड का समर्थन कर दिया। भारत भी कश्मीर को द्विपक्षीय मामला मानता है। वहीं इससे पहले सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने भी इस मामले पर भारत का पक्ष लिया था। रूस ने कहा था कि यह फैसला भारतीय गणराज्य के संविधान के दायरे के भीतर लिया गया है, यानी चारों तरफ से पाकिस्तान को केवल मायूसी और मायूसी ही हाथ लग गई। बस पाकिस्तान के लिए राहत लेकर आई है तो कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी। इससे पहले केवल बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के नेताओं के बयान के आधार पर भारत की आलोचना कर रहे हैं, इससे कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठना लाजमी है। आइए आपको सुनाते हैं भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का वो बयान, जिसमें उन्होंने मनीष तिवारी और शशि थरूर का जिक्र कर भारत पर हमला बोला। लोकसभा में जो कल तकारीर हुई, मैं तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मनीष तिवारी की जो स्पीच थी, शशि थरूर की स्पीच थी, ब्रिलियंट स्पीचेस। उन्होंने जो बताया है कि किस तरह मोदी सरकार ने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है, इंडिया के आइन के साथ जिस तरीके से खेले हैं, अगर आप वो तकारीर उनकी सुनिए तो पूरी तारीख वो आपको बताते हैं। ठीक है, हम उससे एग्री नहीं कर सकते। इसके अलावा अब्दुल बासित ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। बासित ने कहा कि उन्होंने शोभा डे से एक लेख लिखवाया जिसमें कश्मीर पर जनमत संग्रह करवाने पर जोर दिया गया था। मेनलैंड इंडिया में एक शख्स भी नहीं है जो कि सही मानों में कश्मीर का जिक्र कर सके, वो भी मेनलैंड इंडिया में। बल्कि मेरे लिए तो एक चैलेंज था कि मैं किस तरह किसी इंडियन जर्नलिस्ट को ये कन्विंस करूं कि यार कोई अखबार में एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। एक खातून जो मुझे मिली, जो बहुत प्रोमिनेंट, शोभा दे, शी रोट एन आर्टिकल। उससे मैंने मुलाकात की, समझाया, तो उन्होंने आर्टिकल के आखिरी एक सेंटेंस लिखा कि नाउ द टाइम हैज़ कम टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल थ्रू अ प्लेबिसिट। उसके बाद ऐसा ज़बरदस्त तनकीद का मामला हुआ उन पे कि वो तो बेचारी घबरा गई और दो महीने तो पब्लिक में आई नहीं बिल्कुल। तो ये मैं बताता हूँ कि अब सवाल उठता है कि मनीष तिवारी ने ऐसा क्या बोला जो पाकिस्तान और अब्दुल बासित दोनों खुशी से उछलने लगे। दरअसल मनीष तिवारी ने लोकसभा में महस के दौरान कहा था कि आर्टिकल 370 संविधान का स्थायी प्रावधान है और इसे कभी हटाया नहीं जा सकता। तिवारी ने सरकार के कदम को संवैधानिक त्रासदी बताया था।
आज जो संवैधानिक त्रासदी है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाकर उस जम्मू कश्मीर विधानसभा के अख्तियार खुद लेकर ये संसद अपने आप से राय मशवरा करके जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित करने जा रही है, ये संवैधानिक त्रासदी है। 370 को एक परमानेंस दी जा सके, और जैसे मैंने पहले कहा कि 25 जनवरी 1957 को जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अपना काम खत्म करके डिसॉल्व हो गई, और आज अगर आप ये पढ़ना चाहें कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब विधानसभा है, विधान परिषद है, और विधानसभा और विधान परिषद का मतलब ये संसद है क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये एक संवैधानिक त्रासदी। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये कहना चाहता हूं कि बगैर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अनुमति के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तिवारी इतने से ही नहीं माने थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आर्टिकल 370 खत्म किए जाने से जम्मू कश्मीर का संविधान का क्या होगा। यानी तिवारी को जम्मू कश्मीर का संविधान की चिंता थी, भारतीय संविधान के सर्वोच्चता की नहीं। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अब आपने प्रदेश तो दो हिस्सों में बांट दिया, उस संविधान का क्या होगा? क्या सरकार यहां पे फिर उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेके आएगी? क्योंकि आपने, और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि इस विभाजन के, इस बंटवारे के जो अलग अलग पहलू हैं और संवैधानिक पहलू हैं, उनके ऊपर इस सरकार ने विचार ही नहीं किया इस विधेयक को लाने से पहले। मैं अब आखिरी दो बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि पिछले 70 साल में तो हमने ये कई बार देखा है कि केंद्र शासित राज्यों को प्रदेश में बदल दिया जाए, पर शायद ये पहली बार हुआ है। समझ में ये नहीं आता कि आखिर भारतीय संविधान में क्या कमी है जो कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी को बार बार जम्मू कश्मीर के संविधान की याद आती है। वहीं तिवारी ये साबित नहीं कर पाए कि कैसे आर्टिकल 370 भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल मूल ढांचे को छोड़कर सरकार किसी भी तरह का संवैधानिक संशोधन कर सकती है। खैर, सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मनीष तिवारी के बयान ने पाकिस्तान को मुंह खोलने का मौका तो दे ही दिया। अब चलते हैं शशि थरूर की ओर, क्योंकि थरूर साहब का भी जिक्र पाकिस्तान डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने किया। आखिर क्यों, ये तो शशि थरूर साहब के बयान सुनकर ही पता चल पाएगा। दरअसल जिस तरह से पाकिस्तान ने मोदी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने को लोकतंत्र का काला दिन बताया था, वैसे ही थरूर साहब ने अपने ब्रिटिश एक्सेंट वाली अंग्रेजी में आर्टिकल 370 हटाने वाले दिन को ब्लैक डे करार दे दिया। Let me explain why we think it is indeed a dark day for India's democracy. You have brought this bill, sir, to this house without consultation with the local parties, with the state legislature out of session for more than 6 months, with democratically elected political leaders, including two former MPs, two former CMs of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, under arrest. ठीक पाकिस्तान की तर्ज पर थरूर ने आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को बड़ा धोखा करार दिया। थरूर ने कहा था कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर चलने वाले देश की छवि के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया है। The way you have pursued that claim with this bill, sir, is an affront to our very values as a democracy, as a nation, and has already done serious damage to our international standing and our credibility as a nation of laws, as a nation of democracy, and above all of the culture of decency, which was our culture in the way this has been carried out, has also been betrayed. It is clear that the false pretense of terrorism to get people out from the Amarnath Yatra and elsewhere, the use of utter secrecy, the deployment of overwhelming force and arrests
has revealed frankly a certain disdain, a certain contempt for liberty, for the rule of law, and frankly for the very conventions of our democracy that have sustained us for 70 years. That's why we said it's a dark day, sir. अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान के नेताओं को कांग्रेस के नेताओं के बयान से मोहब्बत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितना ही कश्मीर राग अलापे, उसकी एक नहीं चलने वाली। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद पाकिस्तान ने अब घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक के लोग किसी गलत फहमी में ना रहे कि यूएन में उनके लिए कोई हार लेकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि कई इस्लामिक देश भी भारत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के भी निजी हित भारत से हैं और उन्होंने वहां पर अरबों का निवेश किया हुआ है। कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए सबकी निगाहें भारत पर हैं। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की जनता को मूर्खों के स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए। जानते हैं कि दुनिया उनके साथ हमा किस्म का उनके इंटरेस्ट हैं। मैं आपको पहले अर्ज कर चुका, मैंने इशारतन कह दिया, एक अरब की मार्केट है और यहां इस खत्ते में आप नई आपने रीअलाइनमेंट देखी है, देखिए ना, मेरा आप इशारा समझ गए, एक नई रीअलाइनमेंट है, एक अरब की मार्केट है, बहुत से लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, उनके मफादात हैं वहां। तो मैंने कहा कि कश्मीर का मसला ये आज का है, ये पिछले 5 अगस्त से शुरू हुआ है, ये तो 7 दहाइयों से है, 30 साल से क्या हुआ इस पर? मैं सवाल करता हूं ना, क्या ये मसला कोई नया है? क्या ये करारदादें पहले नहीं थी? क्या दफ्तर खारजा पहले नहीं था? क्या कश्मीर के लोग वहां नहीं मर रहे थे? क्या शहादतें नहीं हो रही थी? क्या वहां अस्पतें नहीं टूट रही थी? 30 साल से क्या हो रहा था? बैक बर्नर पे था। क्यों बैक बर्नर पे था? इसकी भी वजूहात थी, ठीक है ना जी। मैंने कहा कि 30 साल तो हम ट्रेड और एड के नजर रहे ना, तो अब देखना ये है हकीकत पसंदाना तरीके से। देखिए, जज्बात उभारना बहुत आसान है, मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं 35-36 साल से सियासत कर रहा हूं, बाएं हाथ का काम है, जज्बात उभारना तो आसान काम है, एतराज करना उससे भी आसान है। लेकिन एक एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े, सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट पड़ सकता है, क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान बी अवेयर। पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को बाखबर रहना चाहिए, कोई वहां आपके लिए मुंतजर नहीं खड़ा कि कोई आपकी दावत के लिए वहां नहीं खड़ा। ये तो आपको एक नई जद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा। वहीं कुरैशी के बयान से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो बहुत नाराज हैं। बिलावल ने कहा कि विदेश मंत्री कुरैशी के बयान से पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा। चारों तरफ से मिली नाउमीदी से पाकिस्तान का विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन बौखला गया है। फवाद ने अब नया प्रोपोगंडा वार छेड़ा है। फवाद ने पंजाबी भाषा में भारत के पंजाबी सेना से कश्मीर में ड्यूटी न करने की अपील कर दी है। फवाद ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं भारतीय सेना के सारे पंजाबी जवानों से अपील करता हूं कि वो जुल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दें और कश्मीर में ड्यूटी ना करें। इस ट्वीट से पाकिस्तान के नापाक इरादों की झलक मिलती है। हालांकि इसका करारा जवाब अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया। सिरसा ने ट्वीट किया है कि पंजाबी में एक ट्वीट कर देने से आप शुभचिंतक नहीं बन जाते। उन्होंने कहा कि चौधरी फवाद हुसैन ने अपने शब्दों से पंजाबियों को ठेस पहुंचाई है। सिरसा ने कहा कि पंजाबी असली देशभक्त हैं। चौधरी फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं, उन द्वारा एक पंजाबी में ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया
कि जो पंजाबी हैं वो आर्मी में बगावत करें। मैं उनको पहले ये बताना चाहता हूँ कि शायद आप पंजाबियों की फितरत को नहीं जानते। हमसे बड़ा कोई देश परस्त नहीं हो सकता। हम देश के लिए अपनी जान देने वाले लोग हैं। आप द्वारा ये ट्वीट हमें तकलीफ देने वाला है। आप अपने मुल्क की बात करें, आप अपने मुल्क की हिफाजत की बात करें, आप अपने मुल्क के लिए दुआ भी करें, लेकिन भारत हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क के खिलाफ आप द्वारा और खास तौर पर पंजाबी लिपि का इस्तेमाल कर अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमारी भावनाओं को किसी तरीके भड़का सकते हैं तो आप गलत हैं। आपकी सोच गलत है। हम देशद्रोही लोग हैं। ये आर्मी हमारी हमारे देश के लिए लड़ने वाली है और हमारी जान जा सकती है लेकिन इस देश पे आ नहीं आ सकती। हमने इस देश के लिए जान दी है और इस देश के लिए जान दे सकते हैं और इस देश के लिए हम किसी की जान ले भी सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका ये जो ट्वीट है ये बड़ा ही भद्दा है, होछा है। अल्फाजों के साथ साथ जो आपने भाषा का इस्तेमाल किया है उसका हमें खेद है, क्योंकि पंजाबी लिपि जो है उसके अंदर आपने जो इस्तेमाल की है उसका हमें अफसोस। साफ है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर हार चुका है। खस्ता माली हालत को झेल रहे पाकिस्तान के लोगों को बरगलाने के लिए वो कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उनके बयानों को पाकिस्तान हथियार बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस सहित तमाम सियासी दलों को सोचना चाहिए कि व्यक्ति से ऊपर पार्टी और पार्टी से ऊपर राष्ट्रहित होता है, इसलिए राष्ट्रहित को सामने रखकर ही बयान देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हमेशा के लिए जमींदोज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।